हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। अच्छा, हैदराबाद में कोई इस तरह का आर्ट काउंसिल नहीं है जहाँ पे लोगों को एक्टिंग सिखाया जाए, इस तरह के कोई इदारे नहीं है, तो उसके हवाले से आप देखिए ये आर्ट काउंसिल बना हुआ है। अभी मेरी आपने देखा मेरी मेयर साहब से बात हुई, उन्होंने बताया कि हैदराबाद में भी जो है क्या उर्दू आती नहीं है। उर्दू नहीं आती यार, कैसी उर्दू में तो बात कर रहे हो आप। हैदराबाद शहर के लिए बहुत अच्छा करने जा रहे हैं मेयर हैदराबाद काशिफ। पाकिस्तान के सबसे मशहूर फनकार मुस्तफा कुरैशी साहब के एजाज में एक तकरीर हो रही है, मैं आपको उनसे भी मिलवाता हूँ और पूरा इवेंट आपको दिखाऊंगा। इस वक्त उनकी तकरीर मेरे पीछे बिल्कुल चल रही है, जिसमें हैदराबाद के मेयर और जितने भी वेल नोन पर्सनैलिटी वो सब स्टेज पे बैठे हुए हैं, वो भी आपको मना देंगे। महीने में छी रही है इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे है हुसैन। हाँ भाई, जर वो चाहे तो मुझे फुला दरगाह में दफनाए वे। जो तकरीब थी मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की वो एंड हो गई है और उसके बाद लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे उनसे मिलने के लिए आ गई है। देखिए पीछे रश, देखिए लोग उनसे मिल रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, तस्वीरें खिंचा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। ये वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, हैदराबाद में कोई इस तरह का आर्ट काउंसिल नहीं है जहाँ पे लोगों को एक्टिंग सिखाया जाए, इस तरह के कोई इदारे नहीं है, तो उसके हवाले से आप देखिए ये आर्ट्स काउंसिल बना हुआ है हमारा, गवर्नमेंट कल्चर ने अभी इनको एक ये लिए इनको और रजिस्टर कर लिया है, और अब इंशाल्लाह यहाँ पे देखिए मुस्तफ़ा फरीद साहब ने भी इस आर्ट्स काउंसिल की तारीफ की है। ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा आर्ट्स काउंसिल है, ऐसा लाहौर में भी नहीं है। अच्छा, जिस तरह हम कराची में देखते हैं वहाँ पे थिएटर के एडमिशन्स होते हैं, सिंगिंग के एडमिशन्स होते हैं, वहाँ सिखाया जाता है, यहाँ पे भी आप कह रहे हैं कि वो स्टार्ट होने जा रहा है। ये अभी रजिस्टर हुआ है कल्चर मिनिस्ट्री के अंदर, इंशाल्लाह अब इसमें बेहतरी आने शुरू होगी, आप देखेंगे। थैंक यू सो मच। अभी मेरी आपने देखा मेरी मेयर साहब से बात हुई, उन्होंने बताया कि हैदराबाद में भी जो है आर्टिस्टों के लिए जो एक्टिंग सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं उनके लिए भी प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड हुआ है और जल्द ही वो एक स्टार्ट ले लेंगे। आए, मैं आपको दूसरी तरफ भी ले चलता हूँ। अच्छा, पीछे आप लोग देख रहे हैं मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ आर्टिस्ट जो यहाँ पे हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके पीछे जा रहे हैं। आए, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के पीछे चल रहे हैं। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के पीछे काफ़ी रश है, आप देख जिस तरह देख सकते हैं, ये देखें लोगों ने बड़ी तादाद में उन्हें घिरा हुआ है, कुछ लोग तो गिर भी गए। ये देखें, और ये देखें वो जा रहे हैं, ये देखें। लोग पाकिस्तान में फनकारों को कितना पसंद करते हैं, इसका एक नज़ारा आप अभी देख सकते हैं। ये देखें हमारे साथ है, ये हमारे साथ मुस्तफ़ा कुरैशी साहब हमारे साथ साथ चल रहे हैं। मेरे साथ अभी मौजूद है ज़ायद अज़ीज़, इनसे पूछते हैं कि हैदराबाद में किसी भी आर्टिस्ट के लिए, मतलब जो एक शौक़ रखता है एक्टिंग करने का या सिंगिंग करने का, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उनके लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, तो उस हवाले से आप क्या कहते हैं कि हमें जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो आर्ट्स के ऊपर काम करती है, क्या उनको नहीं चाहिए कि वो इस तरह के एक प्लेटफॉर्म लोगों को प्रोवाइड करें? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इस तरह के इवेंट्स और इस तरह की चीज़ें जो अब शुरू हुई है हैदराबाद में, इससे पहले ये नहीं थी। आप इतने बड़े फनकार को हैदराबाद ले आएँ और उसको एक्नॉलेज करें, उसको अप्रिशिएट करें, अपने लोगों से मिलाएं, तो ये एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है हैदराबाद शहर की। तो बाकी ये है कि जो नए हमारी यूथ है उसकी ट्रेनिंग के लिए, उनको स्किल डेवलपमेंट, उनको इस तरह की चीज़ें सिखाने के लिए आर्ट्स काउंसिल, क्योंकि बिल्कुल अभी न्यू है, दे जस्ट स्टार्टेड और ये उसका फर्स्ट सेकेंड इवेंट है, तो मेरा ख्याल है इनको जैसे कराची में लोग वो करते हैं, तो ये इस तरह का प्लेटफॉर्म यहाँ बना सकते हैं ताकि यहाँ के यूथ को प्रमोट किया जा सके। मेरा ख्याल है कि इसको जल्दी ही शुरू करना चाहिए, आफ्टर दिस इवेंट उन्होंने इनकी कोई मीटिंग होगी तो उसमें ये ज़रूर सजेस्ट करें, कि मैं उनसे बात भी करूँगी कि यूथ के लिए इस तरह की चीज़ें शुरू करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जब मेरे साथ अभी लोकल आर्टिस्ट भी हैं जो यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए आए थे, ये रे पीछे वो बात करने से थोड़ा सा घबरा रहे हैं, लेकिन इनसे बात ज़रूर करेंगे। पिपाड़ी, पिपाड़ी बजाने के लिए आया, तो ये भी इनका एक आर्ट है, ये भी एक कला है, आप क्या समझते हैं आपको गवर्नमेंट की लेवल पे प्रमोट किया जाता है, कोई सपोर्ट की जाती है?
बोला क्या कहते हैं आप कैमरे से ना डरे आप बताएं। हम तेरे को एक बात बताएं, क्या उर्दू आती नहीं है? उर्दू नहीं आती यार, कैसी उर्दू में तो बात कर रहे हो आप? आती नहीं है, बस यही जो आती है ना यही आती है। अच्छा, तो इवेंट ये आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ सवाल हमने उनसे किए, कुछ उन्होंने उनके जवाब दिए। अच्छा इवेंट था ओवरऑल। सबसे पहले तो मैं इसमें मेयर हैदराबाद को मैं जो है ना मैं उनकी तारीफ़ करूंगा, जिन्होंने हैदराबाद में जो है आर्टिस्ट जो इतने बड़े पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं उनको यहाँ बुलवाया और एक तकरीब लगाई, तकरीब बिछाई यहाँ पे, जिससे लोग लुफ्तानंदोज़ हुए। उन्होंने मतलब एक कोशिश की कि इन्वायरमेंट को जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट वे की तरफ ले जाया जाए। हम रोज़मर्रा की न्यूज़ में सुनते हैं कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम दिस एंड दैट एक्स वाई जेड, सो ये तो उस माहौल में उन्होंने कोशिश की कि यार आर्टिस्टों को बुलाया जाए और लोगों को जो है एक तफरी फराहम की जाए, एक इन्वायरमेंट फराहम किया जाए, उसकी एक आगाज़ किया जाए, उसका स्टार्ट लिया जाए। मैं ये समझता हूँ ये मेयर हैदराबाद की बहुत अच्छी काविश थी, उनका एक अच्छा स्टेप था। अभी बिल्कुल नए नए मेयर बने और इतने बड़े और अच्छे स्टेप उन्होंने लिए, तो हम तो यही उम्मीद रखते हैं कि आगे भी हैदराबाद शहर के लिए बहुत अच्छा करने जा रहे हैं मेयर हैदराबाद काशिफ सोहो। आपकी दुआओं का बहुत ही ज़्यादा तलबगार। टॉक टू खदी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और वीडियोस देखते रहें।